नमस्कारम। सो रिसेंटली सदगुरु दर्शन हुआ, तो यूजुअली साधना पदे के लिए स्पेशली एक सदगुरु दर्शन होता है, और उस दर्शन में सदगुरु ने एक खास चीज़ के बारे में डिस्कस किया जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर इंसान के दिमाग में जो यहाँ पर आना चाहता है। तो जब मैं पहली बार के लिए यहाँ आने के बारे में सोच रहा था, तब मेरे दिमाग में एक ख्याल बार बार आ रही थी, वो है कि इफ़ आई गो देयर तो क्या मुझे वो लेंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल अप्लाइंग फॉर इट। तो जब आप अप्लाई करोगे ना, तो अभी सदगुरु की जो पॉपुलैरिटी है, सदगुरु की आश्रम की जो पॉपुलैरिटी है, इन द डिमांड ऑफ स्टेइंग हियर, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमेशा ये क्वेश्चन दिमाग में आती रहती कि यार मुझे सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि दे विल सिलेक्ट यू आर नॉट, प्रॉब्लम ये है उनके पास कि उनके पास अकोमोडेशन है या नहीं है। अब जस्ट बिकॉज सम एक्सटर्नल फोर्सेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अकोमोडेशन थोड़ा सा करना मुश्किल हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्सेस एज इन, देखो आज अगर आप बाहर जाके किसी सिटी में आप एक बार खोलने की कोशिश करोगे, तो शायद आपको बहुत ईजिली एक लाइसेंस मिल जाएगा, उसका आपको ईजिली एक प्लेस अवेलेबल हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू ओपन इट वेरी ईजिली। पर अगर आपको एक स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर बनानी है एक सिटी के आसपास, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। नॉट ओनली बिकॉज कि आपको बत्ता बड़ा जगह नहीं मिलेगी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा, पर देयर विल बी लॉट्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम द सोसाइटी एंड ऑल्सो फ्रॉम द ऑफिशियल साइड्स एज वेल। तो अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास वो कॉन्टैक्ट नहीं है, एंड बहुत सारे चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं है, देन मोस्ट प्रॉब्ली विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो ये जो फोर्सेस है ना, हमेशा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न बिकॉज ऑफ फिश यहाँ पे आश्रम में स्पेस तो है, पर फिर भी ना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं करा जा पा रहा था। सो दैट इज़ वाई सदगुरु हैज़ बीन प्लानिंग दिस फॉर लास्ट आई थिंक 2 to 3 years नाउ, कि बाय 2025 वी आर प्लानिंग टू अकोमोडेट 10,000 साधना पदास, बट अभी तो हो नहीं पा रहा है वो चीज़। दिस ईयर साधना पदा लाइक नंबर वॉज 1200, जबकि अप्लीकेशन 30,000 के आ रहे हैं। अब 30,000 पीपल इंटरेस्टेड तो है साधना पैदा करने के लिए, पर ओनली 1200 पीपल आ पा रहे हैं। अब चीज़ों को देख पा रहे हो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट। आई मीन अगर उन लोग को जो 30,000 लोग, जो 20,000 लोग जो आ नहीं पाए, या फिर 29,000 लोग जो आ नहीं पाए, व्हाट डू यू थिंक विल आर दे गोना डू विद देयर लाइफ? ऑब्वियसली दे गोना डू और दे गोना बी विद देयर फ्रेंड्स, है ना। जो उनके दोस्त करेंगे वही चीज़ वो भी करेंगे, डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस स्पिरिचुअल सीकिंग, वो वही करेंगे जो एवरीबडी एल्स इज डूइंग। सो वो स्पिरिचुअलिटी सीकिंग को वो एनहांस नहीं कर पाएंगे, और स्पिरिचुअल डायमेंशन को और एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। अब जो रेगुलर लाइफ में हो रहे लोगों के साथ वही होगा उनके साथ भी, मोस्टली दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। लॉट्स ऑफ पीपल आर सफरिंग विद मेंटल प्रॉब्लम्स, पर इफ़ यू मेक स्पिरिचुअलिटी अ पार्टनर ऑफ योर लाइफ, अ पार्टनर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो चीज़ें ना बहुत आसान होने वाली हैं। It is very much easier for you to see when you come to the ashram, because when you see people smiling at every instant, आपको देख के लग जाएगा कि यार ये लोग तो बड़े मस्ती से जी रहे हैं, irrespective of the fact that कि nobody is earning over here, they are just living their life, they are just destroying their life, dissolving themselves completely, फिर भी इतने खुश कैसे है? ये चीज़ बहुत सरप्राइज करने वाली है, पर यही सही है मेरे दोस्त, यही सच है कि जिंदगी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हाउ यू आर लिविंग इट, and for that it is best that you use the yoga, because yoga is not something that Sadhguru has designed, or yoga is not something that I have just preaching you just like that. Yoga has been a part of Indian culture for so long now, so people who are interested are also not getting this chance, this opportunity to explore the spiritual aspect of the life. To sabse bada news ye hai ki it is going to resolve very soon. So Sadhguru was talking in that particular darshan that he is being able to manage to get the permission so that they can build more and more infrastructure from here onwards now, and by 2025 most probably 10,000 sadhana pada is going to be accommodated. This is great news, literally a great news, because it is necessary for every human being to be in such a consecrated place at least for some period of time, just to understand, just to experience that how life can be. Because ek bar aap jo cheez taste kar lete ho na, acha cheez, aur usko aap chhod nahi pate ho kabhi bhi, and that is what you're going to feel when you come to the ashram, when you experience this ashram life just for a single moment of time. And that is not it, he is also planning to bring some of the ashram in Mumbai, in Delhi, in some other parts of this country, or there are so many consecrations are going to happen in this particular year 2024, and in 2025 also there are so many plans, because
And also Sadhguru, one thing mentioned that he is slowly, slowly withdrawing himself from the conferences and planning to give much of himself into consecrations, because the problem with doing all those things together is it is very risky, because like consecration part jo hai na, usme energy ki involvement kaafi zyada rehti hai. Aur ek insan subah ko yahan pe conference attend kar raha hai, shaam ko ye safe soil ki movement ki rally kar raha hai, and then at the evening he is doing consecration. So this way a person can kill himself. So that is what Sadhguru has been saying. The slowly, slowly is withdrawing himself from all the conferences and calls and all that stuff, and he is more likely spending time in consecrations and building this platform, building this infrastructure. Because एक चीज़ है कि आज वो अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जाके कुछ बात करते हैं, शायद वो वीडियो रह जाए और कल को किसी इंसान के माइंड चेंज करते हैं, पर अगर एक आश्रम वो सेटअप करते हैं ना, आफ्टर ही इज़ गॉन ऑल्सो वो आश्रम वहाँ पे रहेगी. एनीबडी हु वांट्स टू गो देयर वो फिजिकल प्रेजेंस वो इंसान महसूस कर सकता है. सो आश्रम इज़ मोर काइंड ऑफ ए बेटर इंश्योरेंस देन अ वीडियो, बिकॉज अ वीडियो कभी भी ऐसे हो सकता है और इट विल नॉट बी विजिबल फॉर पीपल, बिकॉज अगेन वीडियो जो होती है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है. प्लेटफॉर्म दे अगर इंटरेस्टली चाहे व्यूअर को दिखाने के लिए तभी जाके वो दिखाते हैं. सो ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड एन इंश्योरेंस फॉर ऑल द सीकर्स हु आर गोइंग टू कम इन द फ्यूचर, पीपल हु आर नॉट इवन बॉर्न येट, फॉर देम ऑल्सो इज प्लानिंग द सेफ सोल मूवमेंट, द कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट, द बिल्डिंग ऑफ द आश्रम्स एंड बिल्डिंग द कॉन्सिक्रेटेड प्लेसेस. ऑल दीज थिंग्स आर मोस्टली फॉर द पीपल हु आर नॉट ए बॉर्न येट. Now coming to the biggest part, that yes, there is a good news that more and more people can be accommodated into this. And again, since the Conscious Planet Movement is getting launched in this particular year, so it is again requested for you to be participation in any kind of way that you can do from your home, from the ashram. If you want to come over here, then do come. If you want to support from your home, then also you can support from your home, because this Conscious Planet Movement has to be a global movement and has to be a successful global movement, because this will prevent so much of mental issues that is going on right now in this world. Because yoga is a way टू प्रिवेंट समथिंग, पर अगर एक बार हो गया कुछ चीज़ गलत ना, तो शायद उसको ठीक करने के लिए आपको वैद्य के पास जाने की जरूरत पड़ेगी और एलोपैथिक मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. सो जस्ट बिकॉज कि वो सिचुएशन ना ही आने दे, जस्ट बिकॉज वो साइकाट्रिस्ट की सिचुएशन ना आने दे, उसको पहले से ही फिक्स करने के लिए दिस कॉन्शियस प्लानेट मूवमेंट हैज़ टू बी सक्सेसफुल. अगर 4 billion पीपल, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस एंटायर अर्थ, start doing some sort of a meditation, some sort of a practice in which they can control your mind, they can calm your mind, they can stable their body, तो most probably this mental health problem will not arise. अभी सबसे बड़ा इशू यही है कि ना बॉडी कंट्रोल में है ना माइंड कंट्रोल में है. बॉडी बस लेजी बनता जा रहा है और माइंड बस थिंकिंग करता जा रहा है. सो इफ दिस हैपन्स कंटिन्यूअसली गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, देन मोस्ट प्रॉब्ली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन ओनली. सो इट इज़ बेस्ट दैट मेक योगा ए पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड ऑल्सो हेल्प अदर पीपल अराउंड यू टू मेक योगा ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू गो एंड डू समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम. आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं, पर कॉन्शियस प्लैनेट की मूवमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको माइंड को कंट्रोल करने के बारे में सिखाया जाएगा, हाउ टू ट्रीट योर माइंड इन राइट वे. तो उस बेसिस पे यू विल बी एबल टू ट्रीट योर माइंड इन राइट वे, एंड जो भी मेस यहाँ पे चल रहा है उसको आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो. एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू फॉर नाउ. एंड वंस वी आर सक्सीडिंग इन टू दैट, तो ये जो मेंटल पैंडेमिक की चीज़ें जितनी रैपिड पेस से जो एंजाइटी डिप्रेशन अभी चल रही है ना लोगों की जिंदगी में, वो थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा फॉर नाउ. अभी प्रॉब्लम तो कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा, पर काफ़ी लंबा पोस्टपोन हो जाएगा. अगर नेक्स्ट जनरेशन के पीपल अगर और अच्छी तरीके से इसको अप्रोच करें, देन सर्टनली हम इस अर्थ पे भी लंबे समय तक रहेंगे और काफ़ी कंटेंट और काफ़ी हैप्पी और काफ़ी अमेजिंग और ब्यूटीफुल लाइफ जी सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.